हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। गाइस, आज का वीडियो स्किन लाइटनिंग के ऊपर है। आपकी स्किन टैनिंग हो, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो स्कार्स हो, चाहे वो किसी भी तरह की जो स्किन प्रॉब्लम है, और स्पेशली हर कोई स्किन का कलर चाहता है कि उनका डार्क ना हो ज़्यादा, कलर जो है एकदम क्लियर रहे उनका फेस। सो मैंने जो आज फेस मास्क बनाया है वो किसी केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं है, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही सिंपल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं, और बहुत इजीली बन जाता है। अप्लाई करना आसान है, सब करना एकदम, आपको 7 to 10 days में इसका इफेक्ट अपने ऊपर नज़र आने लग जाएगा। सो गाइज, हियर वी आर। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे बेसन, यानी कि ग्राउंड फ्लोर बेसन। यहाँ पे हमें ज़्यादा लेना है बेसन, 3 चम्मच ले सकते हैं। बेसन के बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं। टर्मरिक पाउडर के बाद जो तीसरी चीज़ है वो है दही, यानी कि योगर्ट। यहाँ पर योगर्ट हम 2 बड़ी चम्मच लेंगे। दही ज़्यादा नहीं लेना है, दही हम थोड़ा ही लेंगे। और अब दही के बाद हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी हमें थोड़ा डालना पड़ेगा, जिससे इसमें गांठें ना बने, जो लम्स होती हैं वो इसमें बने ना, ये ध्यान रखना है। पानी उतना ही लेना है जितना कि पेस्ट मीडियम थिकनेस का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, मीडियम थिकनेस का। इसे इतना अच्छे से मिक्स कीजिए कि लगाते वक्त गांठें ना आए। यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब ये हमारा पेस्ट अच्छे से रेडी हो गया है लगाने के लिए। देख सकते हैं आप किस तरह की कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसे अपने हाथों के बैक साइड पर, अपनी हथेली के बैक साइड पर लगाकर बताती हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा करके मसाज करते हुए अपने अपने स्किन पर लगाना है, और एक थिन शीट, एक पतली सी शीट बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं, क्योंकि पतली करेंगे तभी अच्छे से सूख पाएगा, एब्जॉर्ब हो पाएगा और सूख भी जल्दी पाएगा। अब गाइज, ये ऑलमोस्ट हो चुका है पूरा। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रहने दूंगी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये कुछ इतना सूखा है गाइज, और इतना तो ड्राई हो चुका है कि मैं इसे अच्छे से साफ कर सकती हूँ। और अब मैं इसे लुक वॉर्म वाटर से, यानी कि गुनगुने पानी से साफ कर लूँगी। गुनगुना पानी क्योंकि ज़्यादा गर्म, अपने टेम्परेचर के हिसाब से, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है गुनगुना पानी ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, इसीलिए मैं गुनगुना पानी ही कहूँगी आपको। गाइस, मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं मेरी हथेली का रंग और
में आप यू कैन सी द डिफरेंस वेरी वेल। और ये तो मैंने आपको डेमो करके दिखाया, अगर आप इसे रेगुलर लगाते हैं 7 to 10 days में आपको इसका और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, बशर्ते कि आप इसे रेगुलर लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे रेगुलर लगाएं। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी तक पहुँचाइए, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए सो दैट आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।